Yo, what's up my boys, this is Faraz and thank you for coming back to the channel and I hope you all are doing great. So दोस्तों, जैसे कि आपने मुझे बहुत बार बोला है कि भैया यार एक vlog बनाओ second hand games के लिए, आप खरीदने जा रहे हो ऐसे हमें दिखाओ. So आज मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ पुरानी PS4 games को खरीदूंगा. एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल कर बोला है कि यार उसको एक पुरानी PS3 की गेम चाहिए, प्लस एक निंटेंडो 3DS की भी गेम चाहिए, नई या पुरानी. तो दोस्तों चलते हैं करोल बाग काल इलेक्ट्रॉनिक, जहां से मैं अपने सारी PS4 और गेमिंग से रिलेटेड चीज़ों की शॉपिंग करता हूं. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि ये हमें सब मिलता है या नहीं, क्योंकि मुझे शक है निंटेंडो 3DS की गेम्स शायद ना मिले, लेकिन लेट्स फाइंड आउट. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं लेने जा रहा हूँ गेम्स, सेकंड हैंड गेम्स, ओल्ड गेम्स, और मैं आ चुका हूँ काला इलेक्ट्रॉनिक्स. से चलते हैं, अब देखते हैं कौन कौन सी मैं खरीदूंगा. सो लेट्स गो. सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं भैया की शॉप पर, ये पूरा सेक्शन जो है ये ओल्ड PS4 गेम्स से रिलेटेड है, और आप देख सकते हैं बहुत सारी इसमें गेम्स है. अब मैं देखता हूँ यार कौन कौन सी मैं गेम्स खरीदूंगा. मुझे एक दो तो अभी से दिख गई हैं. मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से लूँ Far Cry 4 और Metal Gear Solid Phantom Pain, Assassin's Creed Unity and Shadow of Mordor. So दोस्तों जैसे कि आप गेम्स की कंडीशन देख ही सकते हैं, सारी गेम्स बहुत ही सही कंडीशन में है, सबके पेपर वर्क भी अवेलेबल हैं और स्क्रैचेस बहुत ही माइनर है जो कि पता भी नहीं चलते. और दोस्तों यहाँ रखी है सारी PS3 की नई पुरानी गेम्स, जैसे आप देख सकते हैं इतनी सारी हैं. एंड दोस्तों जो मैं अपने फ्रेंड के लिए ले रहा हूँ वो है रेसिस्टेंस 3. ये मेरी PS3 की वन ऑफ द बेस्ट गेम्स थी, 2 भी थी 3 भी थी, और आप देख ही सकते हैं ये गेम कितनी पुरानी है और कितनी अच्छी कंडीशन में है. एंड मेरे फ्रेंड की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर निंटेंडो 3DS की भी गेम्स मिल गई हैं. पोकेमॉन अल्फा सफायर, बे ब्लेड, ओके, और ये कौन सी है, निंटेंडो डॉग्स एंड क्रॉनिकल समुराई वॉरियर्स. अब मैं आपको इतने सारे कॉन्सोल्स की गेम दिखा रहा हूँ, सो मैंने सोचा निंटेंडो स्विच की भी दिखा दूँ. आप देख सकते हैं कितनी सारी गेम्स हैं और कुछ नई गेम्स भी आई हैं, जैसे कि असैसिन्स क्रीड 3 रीमास्टर्ड, मॉर्टल कॉम्बैट 11, सुपर मारियो ब्रोज डीलक्स, फीफा 19 एंड द लेटेस्ट जेल्डा. PS Vita की भी बहुत सारी गेम्स आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसे कि एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है लीगो एवेंजर्स जिसको मैंने PS4 में खेला है. सो दोस्तों मैं खरीद रहा हूँ एक पोकेमॉन की गेम, रेसिस्टेंस 3, असैसिन्स क्रीड यूनिटी, शैडो ऑफ मोर्डोर एंड थीफ. अब चलते हैं रिंकू भैया के पास और इसकी कराते हैं बिलिंग और देखते हैं क्या प्राइस बैठ रहे हैं इन 5 गेम्स का. इन गेम का टोटल बता दो, ये मैंने पुरानी गेम्स ली हैं, सो प्लीज़ इसका टोटल आप मुझे बता दो क्या पड़ जाएगा मुझे बेस्ट प्राइस. ये तेरे को बड़े फराज, तेरे लिए जो बेस्ट प्राइस आएगा यूनिटी, तेरे को बेस्ट आ जाएगी 600 रुपये में यूनिटी, ठीक है. थीव तेरे को आ जाएगी बेस्ट प्राइस 700, ठीक है. शैडो मर्डर तेरे को दे देंगे बेस्ट 800 रुपये, और ये PS3 का टाइटल 400, ओके. और ये मेरा निंटेंडो 3DS की है, निंटेंडो 3DS की, ये तेरे को बेस 1400. तो टोटल कितना बैठा, ऑल ओवर 3900. 3900 में मुझे ये 4 गेम्स मिल गई हैं, चार गेम और एक निंटेंडो 3DS की, हां एक निंटेंडो 3DS की भी 3900 में. ये तुम खेल के फिर रिटर्न दे दो, जैसे मैंने अगर आपसे 3900 लिए है ना, हाँ. आप बोर हो गए इन सबको खेलने के बावजूद, आप मेरे को ये रिटर्न दे के 2000 रुपये फिर कैश बैक कर सकते. 2000 में मतलब मेरा जो इफेक्टिव प्राइस बैठेगा वो ऑलमोस्ट 1900 बैठेगा, मैंने 1900 में ये सारी गेम्स खेल ली. और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है क्रिकेट 2019 आने वाली है, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड गेम है फॉर क्रिकेट लवर्स. सो भैया बताइए, मैंने अभी वैसे प्री बुकिंग करा ली है, लेकिन फिर भी भैया एक बार एक्सप्लेन करेंगे कब आ रही है और प्री बुकिंग का क्या प्रोसीजर है. सो भैया एक्सप्लेन करो. ये सेम जैसे लास्ट टाइम डेज गोन में हमने किया था, 28 तारीख को सुबह क्रिकेट आ रही है हमारे पास, 28 को सुबह क्रिकेट अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर. हाँ, जैसे कई लोगों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, हाँ. अभी जैसे फराज ने भी अभी करी है बुकिंग इसमें,
तो वही प्रोसीजर है, आप 500 rupees पेटीएम डाल के भी अपनी बुकिंग कंफर्म कर सकते हो और व्हाट्सएप पे वही मेरा नंबर है 9873144510 और व्हाट्सएप करके भी अपनी बुकिंग ओके कंफर्म कर सकते हो। और जो प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हैं वो सेम रखा है हमने, 500 से 600 rupees डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको एक्सचेंज में कोई सीडी देनी है अपनी ओल्ड सीडी तो वो भी दे सकते हो, वो भी हम माइनस कर देंगे। जैसे आपको कोई पुरानी जो आप ना खेल रहे हो वो ला के अल्टा पल्टी कर लो या एक्सचेंज करके ऊपर के पैसे दे के बदल लो जी, मे भी जैसे भी आपको ठीक लगे। और बाहर से भी अगर आपको ऑर्डर करना, आउट ऑफ दिल्ली आप रहते हो तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं भैया से। इंडिया कोरियर भेज रहे हैं यार, कहीं भी ले लो आप। कन्याकुमारी जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा, अभी बंगाल में, ये आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जा रहे हैं, मतलब हर जगह अवेलेबल है। अमेज़न खोल लो ना एक। यो सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर और आपने देखा जो मुझे 5 games पड़ी हैं वो मुझे पड़ी हैं 3900 की, मतलब 3900 की पड़ी हैं। एंड अगर मैं खाली 3 games PS4 के बारे में बात करूँ, अगर मैं उनको नहीं खरीदता, मतलब न्यू खरीदता, सो वो मुझे पड़ती ऑलमोस्ट 3200 या 3300 तक की, ठीक है। और मुझे वो पड़ गई, अगर मैं खाली PS4 गेम्स की बात करूँ तो 2200 तक की। सो मतलब मैंने 1000 rupees यहाँ पर बचा लिए। और अगर मैं ओरिजिनल PS3 रेसिस्टेंस 3 की बात करूँ, वो ऑनलाइन मिल रही है 2000 rupees की और भैया ने मुझे दी है बिल्कुल सही कंडीशन में, जो है वो दी है ओनली 400 rupees में। प्लस इन सबको भी भूल जाऊँ, अगर मैं पोकेमॉन अल्फा सफायर की बात करूँ सो वो खाली, वो इतनी सी गेम, ठीक है, वो 3500 की है। और सबसे बड़ी बात, 3DS ही गेम्स ही मिल जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो मिलती नहीं, फिर बंदा उसके बाद सोचे कि यार मुझे नई लेनी है, पुरानी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। एंड जो मैंने बताया आपको अमेज़ॉन में ये 3500 की है, जो भैया ने मुझे 1400 की दी है, मुझे लगता है ठीक डील है। और वैसे भी कौन सा, मैंने बस पे ही करे, मुझे तो पैसे वापस मिल ही जाएंगे। मेरे पास ये भी ऑप्शन है, अगर मैं भैया को ये सारी गेम्स लौटाऊँ सो मुझे 2000 rupees भैया वापस कर देंगे। एंड मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट बैठी है वो है 1900 ओनली। सो यार मस्त। एंड क्रिकेट 2019 नेक्स्ट वीक आ रही है, उसकी अनबॉक्सिंग व्लॉग आपको मिल जाएगा चैनल पर। एंड मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मेरा यहाँ पर यूजर नेम दिख जाएगा आपको। इसके व्लॉग के लिए बस इतना ही, देखते रहिए वाइन व्लॉग्स कहीं भी कभी भी। बाय।